जो सरकार लड़कियों को उनके हॉस्टल में ही सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकती है। कल शाम 7 बजे मेरी बेटी का फोन आया था। मैडम, प्रदेश महिला विद्यापीठ में 3 लड़कियों और 1 वार्डन की लाश मिली है। बस सवाल ये उठता है कि लड़कियों ने सुसाइड किया क्यों? बड़े खुश लग रही थी वो। मैडम, हमारी बच्ची सुसाइड नहीं कर सकती। मैडम, उनको सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं। वो आत्महत्या थी। पुलिस डिपार्टमेंट ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी उसके मुताबिक कॉलेज हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां रहती हैं, मुझे इन सबके डिटेल्स चाहिए। इन तीनों में से किसी एक की भी हैंडराइटिंग नहीं है। फेक आइडेंटिटी, फेक एड्रेस, फेक एवरीथिंग सर। अजीत, ये क्राइम के साथ कबड्डी खेलने जैसा है। 4 डेड बॉडीज में 5 ब्लड सैंपल्स। जितना एंजॉय करोगी उतना खेलोगी। वो आत्महत्या नहीं है, लेकिन कबड्डी के इस खेल में जरूर तोड़ेगा। कोई ना कोई तो सामने से दम। जान से मारने की धमकी दी है उसने। कभी कभी देश और कानून के हित के लिए अगर आज मैं खड़ा नहीं हुआ, उसके विरुद्ध जाकर भी कुछ करना पड़ता है, तो फैसला कभी नहीं होगा। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.